वो मेरा मजाक भी उड़ा रही थी मेरी थोड़ी सी, और साथ ही साथ मुझे इंकरेज भी कर रही थी। हिना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है अपने कैरेक्टर के साथ, एंड उनका अपने क्राफ्ट को लेके जो रिस्पेक्ट है, दैट इज प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग दैट जिसने हम दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट किया है। किसी को मैंने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया है, हर लेवल के एक्टर्स के साथ काम किया है। इफ आई एम नॉट यू नो हर्टिंग एनीवन, आई कैन विद लिबर्टी से कि हिना जितना डेडिकेशन मैंने शायद ही किसी में देखा है। अगर आप उसको उसमें बोलोगे ना कि ये शॉर्ट है, शॉर्ट का ये रिक्वायरमेंट है कि आप फीचर में कूद जाओ, तो फीचर में कूद जाएगी बिना पलक झपकाए। उसको ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई हूँ यार, ये फीचर तो बहुत गंदा है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, को प्रोड्यूस किया है इस मूवी को और काफी ज्यादा खास है ये लाइंस, और इससे कहीं ना कहीं इतना अच्छा रिस्पांस भी मिला है कि इसे एक आइकॉनिक मूवी की तरह देखा जा रहा है, अवार्ड विनिंग मूवी है। क्या कहेंगे, आपके लिए कितनी खास थी स्टार्टिंग से ही, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहेंगे तो किस तरह से आप उसे दर्शाएंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जर्नी हमारे लिए, लाइंस की जर्नी अपने आप में हमारे लिए, हीरोज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज को प्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट वेंचर है, एंड हमने बहुत ही प्यार से बनाई है इस फिल्म को, और सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव है, और अगेन बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। साथ ही साथ जिस तरह से हमने इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है बिफोर द रिलीज, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा है हमारे लिए, लोगों को काफी पसंद आया है कंपोस्टर टू एवरीथिंग, तो काफी सारे एक्साइटमेंट हमने देखा है। एंड फिल्म में एक प्रॉमिस है, एक रिलेटेबिलिटी है, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही इतना रेलेवेंट है कि वो प्रॉब्ली कई दशकों से लोगों के सामने है, बस किसी ने उसके बारे में उस तरीके से बात नहीं की है, तो वी थिंक के लोगों को अच्छी लगे और भी जब वो देखे फिल्म। तो रॉकी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आपने कैमियो किया है और हीना भी इस मूवी में है, तो कितना ज्यादा खास था ये? वैसे तो आप प्रोड्यूस कर ही रहे थे, लेकिन एक कैमियो के जब बात आती है तो आपने किस तरह से इसे लिया था और आप कितने तैयार थे अपने आप को ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए? तो मेरे फेलो को प्रोड्यूसर्स ने मुझे बोला कि देखो ये कैरेक्टर तुम करो, बिकॉज़ तुम यू विल एक्चुअली लुक लाइक दैट पर्सन। मुझे उनके बोला कि आप करो, और वी वर प्लानिंग दिस पार्ट जहां पे हम कुछ और करने वाले थे, तो आप ये भी करो, तो हमने ऑन द फ्लाई रेडी किया और मैंने वो किया कैरेक्टर। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे वो करना है, बिकॉज मैं एक्टर नहीं हूँ, नहीं मुझे कुछ शौक है, कोई शौक है एक्टर नहीं। और वो इस तरीके से हुआ, और एक्चुअली पहली बार मैंने उस वक्त पहली बार मैंने ये किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि देखा जाए आपके कैमियो की बात करें, आपका कैरेक्टर काफी मतलब कैमियो है भले ही, बड़ी अपने आप को प्रेजेंट करना उस तरह से उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालना ये बड़ी बात होती है, तो जब इतने अच्छे अच्छे सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं उस पूरे फिल्म में, तो आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को लिखा है, और ये एक्चुअली उनकी एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। जब वो फिल्म लिख रहे थे और बॉर्डर्स के लिख रहे थे, तो वो मिले थे किसी ऐसे इंसान से जो पेट्रोलिंग पर था, और उसने एक्चुअली ये लाइन कही थी उनको जो मैंने कहा है ट्रेलर में, आप तो देख ही सकते हैं, और उसका एक बड़ा वर्जन आप फिल्म में देखेंगे, तो वो लाइन इतनी इंस्पायरिंग थी, उतनी गहराई से नहीं समझ पाते कि वो भी इंसान है, उसके अंदर भी सेम फीलिंग्स और सेम एक्सपेक्टेशन है लाइफ को लेकर जो शायद हमारे। तो जब मैंने ये लाइन सुनी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम करोगे, तो फिर मैंने बोला अच्छी बात है अगर मैं कर रहा हूँ, और इफ आई एम एबल टू डिलीवर इट। उन्होंने बहुत मेहनत की मुझसे ये डिलीवरी निकल पाने के लिए, सो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। ओके ओके ओके, हीना कितनी एक्साइटेड थी जब शी आल्सो गॉट टू नो दैट यू आर आल्सो प्लेइंग सम पार्ट इन इट एंड यू आर आल्सो गोइंग टू बी अराउंड, एंड तो क्या कुछ उन्होंने बताया, उनकी किस तरह के जस्टिस थे?
हीना का एक्चुअली कभी कभी रहते हीना को कोई और सीन शूट करना था तो हीना भी थी हमारे साथ तो हीना बस रिकॉर्डिंग द होल थिंग कि कैसे बिकॉज ऐसे माउंटेन्स पे है हम पूरा सेटअप यू नो बैंड्स वगैरह की लेकिन तो आई वाज गेटिंग रेडी वैसे ही सड़क पे एंड एवरीबॉडी वाज अराउंड मी तो फ्रॉम डायरेक्टर टू एक्टर पूरा हीना से बड़ा अंतराज उसको मेरा हो गया था तो एक जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो हीना थी उस वक्त कैसे पूरा सेटअप हो रहा है रेडी हो रहा है शी वाज वेरी एक्साइटेड वो मेरा मजाक भी उड़ा रही थी मेरी थोड़ा सी और साथ ही साथ मुझे इंकरेज भी कर रही थी आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से नाजिया का किरदार है आपको पर्सनली कैसा लगता है वो किरदार और अगर बात करें ओवरऑल पूरे कैरेक्टर की तो एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है एक मतलब एक मैसेज दिया गया है ओवरऑल तो वो आपको जब भी आप देखते हैं उस तरह का किरदार तो आपको क्या लगता है वैसे तो हीना काफी ज्यादा अच्छे किरदार हमेशा ही एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ लाती है हर एक कैरेक्टर में अपनी जान डालने की पूरी कोशिश करती है तो ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा था बहुत ही ज्यादा मैं बताऊं अगर आप बिहाइंड द कैमरास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हीना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है अपने कैरेक्टर के साथ एंड उनका अपने क्राफ्ट को लेके जो रिस्पेक्ट है दैट इज प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग दैट जिसने हम दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट किया है आई रियली रिस्पेक्ट द वे शी यू नो टेंड्स टू हर क्राफ्ट दैट इज द बिगेस्ट थिंग मतलब मैंने किसी को मैंने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया है हर लेवल के एक्टर्स के साथ काम किया है इफ आई एम नॉट यू नो हर्टिंग एनीवन आई कैन विद लिबर्टी से कि हीना जितना डेडिकेशन मैंने शायद ही किसी को देखा है वेदर वो किसी को 100% पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है दैट इज सेकंड वो उस वक्त ये सोचती है कि वो किस तरह से 100% जस्टिस कर सके उस कैरेक्टर के साथ वो ये भूल जाती है कि वो एक सेलिब्रिटी है वो भूल जाती है कि वो एक स्टार है आप अगर उसको बोलोगे कि मैं कूद जाओ तो खींचा तो मतलब वो इतनी डेडिकेटेड है कि अगर आप उसको उस वक्त बोलोगे ना कि ये शॉर्ट है शॉर्ट का ये रिक्वायरमेंट है कि आप फीचर में कूद जाओ तो फीचर में कूद जाएगी बिना पलक झपकाए उसको ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई हूँ यार ये फीचर तो बहुत गंदा है मुझे इन्विटेशन हो जाएगी नहीं रात के 2 बजे अगर आप उसको बोलोगे बारिश का सीन है तो वो करेगी बिना किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लाए वहां पे एज एन एक्टर एज अ सेलिब्रिटी उस चीज को तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है एक्टर तो वो शिद्दत जो है ना वो कैमरे पे दिखाई देती है कैमरा बहुत शार्प है एंड ये वो कारण है जिसकी वजह से बहुत स्पेशल बन जाता है लाइंस मुझे ऐसा लगता है प्राइमरीली बेस्ड ऑन हीना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हीना उसको अच्छे से करे और पूरी जस्टिस करे कैरेक्टर के साथ जो उसने किया है एंड आई होप लोगों को अच्छा लगे